मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू सागर कॉलेज ऑफ साइंस। सो प्रीवियस क्लास रे हम स्टार्ट करथिलु गोटे नुआ चैप्टर इन जूलोजी, दैट इज एनिमल किंगडम। ओके, एनिमल किंगडम okay, and we have also discussed there are 12 lakhs different types of animals on an average. Varalikiru adhiko pakhapaki animals amro achanti prithvi pustare, so tanku to detail study kariba one by one, it is a difficult process. Then we have started classifying the animals. Ame kon kalu animal kingdom ko classification kariba ko chesta kalu with different criteria, with some basis, and the first basis, that is the level of organization. Sharirika gathanda kemti hethi animals manankara seta ame discuss kar deithilu, cellular levels, then your tissue levels, then organ levels and organ system levels. Four levels of animals are there. Then the next part we have started discussing about symmetry. एनिमल बॉडी इज हैविंग सिमेट्री और नॉट। सिमेट्री मीन ताको जदि हम दी भाग करिवा द टू हाफ्स आर सिमिलर और नॉट। किमती का डिविजन टा होतला फ्रॉम टॉप टू बॉटम पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। सो जोटे सेंट्रल पॉइंट हला टॉप रे बॉटम रे गोटे सेंट्रल पॉइंट ताको जोटे पास करिवो सेटा सेंट्रल लाइन और से प्लेन टा हला सेंट्रल प्लेन दैट एक्सिस इज द सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस रो पास करके जदि हमें डिवाइड करिबा गोटे एनिमल्स को टू हाफ्स, इफ टू हाफ्स आर सिमिलर आइडेंटिकल हाफ्स, देन दैट एनिमल इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल एनिमल्स। इफ टू हाफ्स आर नॉट सिमिलर, यू कैन नॉट डिवाइड द एनिमल्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, देन सच एनिमल्स आर एसिमेट्रिकल एनिमल्स लाइक द हैंड्स। गोटे एक्जामपल्स आम नहीं या जो आम कट करवा दुटा जाक पार्ट इक्वाल के हम ना एसिमेट्रिकल। देन अगेन इन सिमेट्री वी हैव डिवाइडेड द सिमेट्री इनटू टू टाइप्स, मे बी रेडियल सिमेट्री, मे बी योर बायलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्रीटा आम कौ एनिमल्स पाथलु जो मैंने सिलिंड्रिकल सेप अच्छा हाइड्रा हो टेनोपुरा हो स्फेरिकल सेप अच्छा। These animals can be divided into two equal halves, two similar halves, in any plane, in any radius, passing through the central axis. Such animals are having radial symmetry. And there are one more kind of symmetry, that is bilateral. In bilateral symmetry, there is only one plane of symmetry. So, this particular plane, jodi tumhe divide karucho, then two halves will be equal. In any other plane, the halves are not equal. And that plane is in this way. So, you will get two identical halves. My right half, my left half is identical. Okay? My front, my back is not identical. Only the lateral sides of the central axis. These two halves are similar halves. Hence it is called as bilateral, two lateral halves you will get. Then there are some other criteria also. So today we will focus on germ layers. So next part, next classification criteria, that is my third one, is my germ layer. जर्म माने कौन? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कहते जर्म, जोटा गजा मुग पुटा आम खाऊ आम कौ जर्मिनेटिंग सीड। गोटे मंजीटा को जब तुम पानी रे पकईदेव सीडटा को जब पानी देदेव से जर्मिनेसन हाँ स्टार्ट कर अंकुरोद्गम जहाँ कहुए जा। अंकुर जर्म मान ला अंकुर भ्रूण। जर्म लेयर्स जोटा जायक स्तर बोली पढ़ा स्कूल लेवल ले मन थी समस्त व्हाट इज जर्म लेयर बा जायक स्तर
जायक स्तर, जायक स्तर कौन, जर्म लेयर कौन, समायन प्रक्रिया सरला परे, फर्टिलाइजेशन सरला परे जो सेलटा तैयारी हुए ताकि जुग्मज बा जायगट बोली कहा जाए। सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीट देन यू विल गेट द जायगट। जायगट इज डिप्लॉयड, इट इज हैविंग ए सिंगल सेल्स, दैट सिंगल सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड दिस कंडीशन इज अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन। अर्ली एम्ब्रियो, दिस इज योर अर्ली एम्ब्रियो, ओके बाईटा को कौन जर्म जायक जुग्मज रु जो सेल्स गुडाक जायक कहते से सेल्स गुडाक कौन करेंगे दे विल अरेंज देमसेल्व्स। सेल मैंने कौन करेंगे से मैंने गोटे स्पेशल अरेंजमेंट हो जाए इन डिफरेंट लेयर्स। कन्सेप्ट बुझी पार्टी ऑल दीज सेल्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन थ्री डिफरेंट लेयर्स और टू डिफरेंट लेयर्स, सच लेयर्स आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। दीज सेल्स विल अरेंज देमसेल्व्स इन लेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट स्टेप इज सेलुलर अरेंजमेंट और द अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स। किमिति का अरेंजमेंट है, दिस इज वन लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज वन लेयर ऑफ सेल्स, दीज आर वन लेयर ऑफ सेल्स एंड सेकेंड लेयर ऑफ सेल्स, दिस इज वन मोर लेयर ऑफ सेल्स, देन माय थर्ड लेयर ऑफ सेल, दिस इज दीटा लेयर है पारे बा तीनटा लेयर है पारे। को को एनिमल्स रो दीटा लेयर थिबो, को को एनिमल्स रो ट्रिपल लेयर थिबो। Such layer of cells are called as germ layers. These layers are germ layers, or the layer of cells of germ, layer of cells of embryo, early embryo is called as germ layers. There are three layers, you see. Outer layer, middle layer, and inner layer. And this cavity is called as your blastocell cavity. This cavity is called as blastocell, but aku archenteron bhi kahi paribo. This cavity is called as archenteron. Archenteron mane kono, enteron mane hela intestine, arche mane hela ancient, prachino, primitive. Enteron intestine, khadya nali. बुझिपार्च कि नहीं। सो एबे तो खाद्य नली तैयारी हेनी, एटा तो अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज, सरल एम्ब्रियो गोटे भ्रूणर प्रथम अवस्था अद्यावस्था से बेलू तर एलिमेंटरी कैनाल खाद्य नली तैयारी ही नाइ। सो ये कैविटीटा देखुचो से खाद्य नलीटा तैयारी हे, डाइजेस्टिव ट्यूब इज गोइंग टू बी फॉर्मड फ्रॉम दिस आर्केंटेरन। सो प्राचीन खाद्य नली प्रिमिटिव खाद्य नली आर्केंटेरन बुझी हम। तो सी जो खाद्य नली तैयारी जर्म लेयर ऑफ ये सेल्स गुड़ाक रही है जर्म लेयर से कौन करेंगे फ्रॉम दिस जर्म लेयर्स डिफरेंट ऑर्गन्स आर गोइंग टू बी डेवलप्ड। योर हार्ट, योर किडनी, योर ब्रेन, योर स्किन, योर ब्लड, योर बोन, योर मसल्स, योर लंग्स, ऑल दिस ऑर्गन्स आर डेवलप्ड फ्रॉम दिस थ्री जर्म लेयर्स और टू जर्म लेयर्स। किसी एनिमल्स मानक दुईटा जर्म लेयर थाए, कि एनिमल्स मानक तीन टा जर्म लेयर्स थाए। बुझिपारे कि नहीं। सो जर्म लेयर्स विल फॉर्म द ऑर्गन्स, आर्केंटेरन विल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्यूब, ओके। सो द जर्म लेयर्स आई एम राइटिंग हियर, जर्म लेयर्स रु कौन तैयारी हम, जर्म लेयर
रू कौन दिया रही है वो ऑर्गन। देन आर्केंटेरन रू कौन हम आर्केंटेरन टा डेवलप है तुम इंटेस्टाइन हुए डाइजेस्टिव ट्यूब है जाए डाइजेस्टिव ट्यूब। दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी बुझ पारे समझते फर्टिलाइजेशन हला समायन हला दिटा जुग्मक मिसले मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिसीगला पर डिंब नली भितर फालोपियन ट्यूब अविडक्ट भितर से परस्पर सहित समायन होती मिसी जाती फ्यूज हो जाती ही सरला पर जो सेपरेट सेलटा तैयारी हुए तार ना डाला जाए गट। तो जेहेतु दुईजर डीएनए रखी फादर एंड मदर सो इट इज कंटेनिंग टू एन टू रिप्रेजेंट्स फादर एंड मदर पेरेंट्स एन इज द प्लॉयडी देन जायगोट विल डिवाइड टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जायगोट कोष विभाजन हम सेल डिविजन हम बहुत सारा सेल तैयारी तो से पर्टिकुलर स्टेज टाको कहूँ आर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज बा जर्म आर्ली एम्ब्रियो बा जर्म बोली कही पारिबा। सो सी जो नंबर ऑफ सेल्स रहिले सेकंड स्टेप रे कौन करिवे अरेंजमेंट हबो सेल्स रो सेलुलर अरेंजमेंट। तो इमिति त अंगूर बलिया थिले ना मन इच्छा सजा हि नथिला इमिति ग्रुप ऑफ सेल्स एबे ताको से माने सजे हि गइले डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाई देले एंड दिस लेयर्स आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स आउटर मिडिल इनर एंड आई थिंक वी हैव लिसन दैट वर्ड एक्टोडर्म मेसोडर्म एज वेल एज एंडोडर्म। आउटर इज एक्टोडर्म मिडिल इज मेसोडर्म इनर इज एंडोडर्म तीन टा जर्म लेयर अच्छे जर्म लेयर रु कौन हम ऑर्गन्स तैयारी आर्केंटेरन रु कौन हो डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्यूब व इंटेस्टाइन फॉर्मेशन हुए से आर्केंटेरन कहा जाए। दिस पार्ट इज क्लियर ओके। सो डेफिनेशन ताले कौन है कहल जर्म लेयर रो आफ्टर फर्टिलाइजेशन समायन प्रक्रिया सरिला परे आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बा जुग्म जो जाग कौच जाइगोट विल डिवाइड टू प्रोड्यूस प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कॉल्ड एज अर्ली एम्ब्रियो और जर्म जर्म ताको हम कह बुझीगला। देन नेक्स्ट स्टेप रे कौन हम ऑल दीज सेल्स ऑफ द जर्म और द अर्ली एम्ब्रियो विल अरेंज देमसेल्व्स इन मेनी डिफरेंट लेयर्स सच लेयर्स आर कॉल्ड एज जर्म लेयर्स। लिखवा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें देखिवा द सेल्स ऑफ अर्ली एम्ब्रियो बाजार rearrange themselves in two or three layers called as germ layers called as what germ layers koi batan सेल्स गुड़ा कौन कह स्वच्छ सेल्स कॉल्ड एज जर्म लेयर्स और एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जर्म लेयर्स आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स। दिस पार्ट इज क्लियर
फ्रॉम दिस एम्ब्रियोनिक लेयर्स ऑर्गन विल डेवलप कौन कौन जर्म लेयर्स रही ना टे लिखीद आउटर मिडिल एंड इनर दिस इज जर्म लेयर्स लिखि पार नंबर वन द आउटर जर्म लेयर तो कौन कह आउटर जर्म लेयर इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म एक्टो माने आउटर डर्म माने हला लेयर दुई नंबर डा हला जोड़ा को मिडिल जर्म लेयर बोली कहूच दिस इज योर मेसोडर्म मेजु माने पिला कौन मिडिल लेयर थर्ड इनर जर्म लेयर नाटी है एंडोडर्म इनर इज एंडोडर्म मिडिल इज मेसोडर्म आउटर इज एक्टोडर्म वेरी सिंपल सो किसी एनिमल्स रो एक्टोडर्म एंडोडर्म थांती मेसोडर्म इज एब्सेंट एंड देयर आर सम एनिमल्स हैविंग ऑल दिस थ्री जर्म लेयर्स दिस इज क्लियर एंड फ्रॉम दिस एम्ब्रियोनिक लेयर्स और जर्म लेयर्स ऑर्गन्स विल डेवलप नोट दैट पॉइंट ऑर्गन डेवलपमेंट occurs from germ layers तो आंक मानक भितर कौन हम डिफरेन्ट डिफरेन्ट ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो हार्ट आई किडनी ईयर नोज ब्रेन मसल स्किन सो एवरीथिंग विल डेवलप फ्रॉम दिस जर्म लेयर्स नाउ आम आपको आधार करमी एनिमल किंगडम को क्लासिफिकेशन करनिमल्स आर क्लासीफाएड विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ जर्म लेयर्स हाउ मेनी जर्म लेयर्स प्रेजेंट इन दैट एनिमल्स दिस इज द क्राइटेरिया ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ जर्म लेयर्स एनिमल्स आर क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स Please note down this information on the basis of number of germ layer animals are classified kete types of animals sab dekhiba ame animals are classified into टू टाइप्स एनिमल्स में भी डिप्लोब्लास्टिक और एनिमल्स में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर मे बी डिप्लोब्लास्टिक मे बी ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक हैविंग टू जर्म लेयर यू नो डाई मीन्स टू Tri means three. So animals having three germ layers is triploblastic animals. Animals having two germ layers are called as diploblastic animals. So likhiwa definition. First one, the diploblastic animals. Diploblastic animals Diploblastic animals re kon hala the animals having two germ layers are called as
डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को हमें कौन कहेगा डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स क्लियर तले जो दुईटाजर्म लेयर रहइबो कोटा कोटा रहइबो कोटा रहइबो नहीं एक्टोडर्म एंडोडर्म प्रेजेंट मेसोडर्म इज एब्सेंट हियर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दीज टू जर्म लेयर्स आर प्रेजेंट बट हियर mesoderm is absent fundamental ta bujhe lagni ectoderm present endoderm present mesoderm the middle germ layer is absent so called as diploblastic animals these are simple animals simpler animals found in the phylum निडारिया टेनोफोरा एंड एकाइनोडर्म्स तीनटा फाइलम रे आमे माने देखिया पाइबा नहीं आंसरी दिस इज फाउंड इन योर निडारिया एज वेल एज टेनोफोरा टू फाइलम्स आर देयर सो एग्जांपल्स लिखि परिबा टू फाइलम रे मिलुचंती एनिमल्स ऑफ द फाइलम कौनटा निडारिया आउ गोटे फाइलम तुम रही गला टेनोफोरा टू फाइलम सर दे निडारिया फाइलम जो हाइड्रार कर सिलिंडर टा भी कहा जाए से जो एनिमल्स मानकर दीटा जर्म लेयर थाए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स सिमेट्री केमती हम सिमेट्री टा रेडियल सिमेट्री रिमेम्बर All diploblastic animals they show radial symmetry, they have radial symmetry. So, गुड कंक्लूडिंग पॉइंट लिखे परिवार में All diploblastic animals have radial symmetry. सो जी डिप्लोब्लास्टिक अच्छा सिमेट्रीटा रेडियाल हम लेख